सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस हमारे सामने है। इस सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे, देन क्लास में जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस सिलेबस को देख सकते हो आप लोग, थ्री सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहले जो मैथमेटिक्स है एंड सेकेंड कैटेगरी में है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, एंड थर्ड कैटेगरी में है जनरल अवेयरनेस सिलेबस। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैनल पर करेंगे थ्री कैटेगरी का सिलेबस, जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वो देखेंगे हम। तो आप सब लोग देख सकते हो CBT 1 और CBT 2 में कितना मार्क बढ़ने वाला है, कितना मार्क आने वाला है इस सिलेबस के ऊपर से, जो सी कैटेगरी का हम लोग देखेंगे करेंगे इस चैनल पर। CBT 1 में आने वाला है, देखिए आप सब लोग देख सकते हो टोटल 40 मार्क का क्वेश्चन आंसर आने वाला है, एंड CBT 2 में आने वाला है 50 मार्क का। तो सी में जो जितना भी पोर्शंस है, जितना भी टॉपिक है, वो सारा टॉपिक इस चैनल पर करेंगे हम। तो आप सब लोग हमारे साथ रह के प्रैक्टिस कर सकते हो अपकमिंग डेज में, जो एग्जाम देने वाले हो आप सब लोग। अगर इस तरह का सिलेबस कोई भी एग्जाम में आता है और पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आप सब लोग हमारे इस क्लास को फॉलो कर सकती हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। पहला जो क्वेश्चन है, भारत की कोकिल का नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हम लोग सबने सुना है जो हु वाज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जिसको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, कोशिश करेंगे आप सब लोग देने के लिए। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की कोकिल भी, कोकिला भी कहा जाता है। यस, तो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, द स्वाधीनता संग्राम में जितना स्ट्रगल था उस वजह से उन्हें कहा जाता है। उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था, योगदान था स्वाधीनता संग्राम में। ठीक है, तो बेसिकली वो एक बहुत काज करता था एज ए पोएट काज करता था, एवं उनको टाइटल मिला महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी उन्हें टाइटल दिया जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त साम्राज्यों की अक्सर भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति हुई है। निम्नलिखित कौन से सेक्टर में प्रगति हुई है जिस वजह से गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल क्वेश्चन आंसर है, जो कमी एग्जाम के लिए आप सब लोग को ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का आंसर का इस आंसर की क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप सब लोग बोल सकते हो। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर का ऑल ऑफ द अबव, गुप्त साम्राज्यों को स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, हर सेक्टर में बहुत सारा उन्नति और प्रगति किया हुआ है। इस वजह से गुप्त एज को और गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था। स्वराज, आज हमारे पास जो इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, सो बिफोर इंडिपेंडेंस स्वराज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था स्वाधीनता संग्रामों के बीच में। वो स्वराज का अवधारणा सर्वप्रथम किसने किया था, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जिसने उसको पहली बार यूज किया गया था। बाद में तो महात्मा गांधी उसको पॉपुलराइज किया था और भी ज्यादा यूज किया है, उनका जो भी फ्रीडम स्ट्रगल था महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी शुरू किया गया था। तो यहाँ से इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। उन्होंने पहला इंसान जो जिसने स्वराज का सर्वप्रथम अवधारणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले और एक बात कह देता हूं, तो
ये बेसिकली जो स्वराज का अवतारणा बेसिकली कलकत्ता सेशंस में, मतलब कलकत्ता सेशंस में कांग्रेस द्वारा लिया गया था 1906 में, तब उसको ज़्यादातर पॉपुलराइज किया गया था स्वराज को, कांग्रेस के कलकत्ता सेशंस में, ठीक है, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ है, सबसे पुराने ग्रंथ में से एक है, ठीक है, उसकी रचना किस भाषा में किया गया था। ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता है, दो सो ऋग्वेद की रचना निम्नलिखित कौन सी लैंग्वेज में किया गया था, यस, कौन सी भाषा में किया गया थी। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, जो इंडिया की सबसे पवित्र एंड ओल्डेस्ट बुक ग्रंथों में से एक है, जो अराउंड 1500 BCE, लगभग 1500 के आसपास रचना किया गया था। तो वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में रचना किया गया था वो, ठीक है, हम सब लोग देख सकते हो, अराउंड 1500 BCE की पर आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, यस, कौन सा राज्य था इंडिया की जो बेसिकली ऑन लिंग्विस्टिक बेस, जो लैंग्वेज के ऊपर बेस करके, भाषाओं के ऊपर बेस करके बनाया गया था, गठित हुआ था। सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, अगर किसी ने इससे पहले भी इस तरह का क्लास किया हुआ हमारे चैनल पर, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया लग सकता है, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वेरियस ऑन वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल को। तीन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो भाषा के ऊपर गठित हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो 1953 की आसपास हुआ है, ठीक है, इन 1953 फ्रॉम मद्रास स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग मद्रास स्टेट से आंध्र प्रदेश जो भाषाओं के ऊपर गठित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक राष्ट्र एक भाषा की को विचार के लिए किस किस नेता को और किस नेता ने बढ़ावा दिया, एक देश एक भाषा होना चाहिए, द आइडिया ऑफ वन नेशंस वन लैंग्वेज वॉज प्रोमोटेड बाई हुच लीडर, कौन से लीडर द्वारा प्रोमोटेड किया गया है, किस लिए, वन नेशंस वन लैंग्वेज की। तो अभी तो बहुत सारे नेता इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, डे बाई डे उसको प्रमोट कर रहे हैं, वन नेशंस वन लैंग्वेज, बट पहले किसने किया गया था, पहले किसका द्वारा किया गया था वन नेशंस वन लैंग्वेज का प्रमोट। तो इस प्रश्नों का सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वो बेसिकली प्रमोट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप सब लोग देख सकते हो किस वजह से इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, जो पहले भारतीय कौन थे जिसने नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला उनको, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यस, तो इसका आंसर शायद सबको ही पता होगा, ठीक है, तीन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। मैं और भी कुछ हिंट्स दे देता हूँ आप सब लोगों को, सो नोबेल प्राइज बेसिकली उन्होंने लिटरेचर में लिया गया था, इस साहित्य में उनको मिला है 1913 में, यस, 1913 में उसको मिला है, 1913 में, 13 में मिला था उनको, ठीक है, एंड वो थे फर्स्ट एशियंस एंड नॉन यूरोपियन थे, फर्स्ट एशियंस एंड नॉन यूरोपियन जिसको जिनको मिला है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, यस, रविंद्रनाथ टैगोर उनको मिला है जो फर्स्ट इंडियन जो नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, 1940 में, 40 में लाहौर प्रस्ताव में मांग क्या, मांग की, लाहौर प्रस्ताव में मांग की गई थी, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी प्रस्ताव था जो लाहौर सेशंस में, ठीक है, जो लाहौर रेजोल्यूशंस में मांग किया गया था 1940 में जो हुआ था उसमें क्या डिमांड था, जिस वजह से भारत
आज दो राष्ट्रों में डिवाइडेड है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, सब लोग को पता ही होगा, जो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण, ठीक है, वो था मांग 1940 की डिमांड, जिस वजह से भारत आज डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, किनके बीच ऐतिहासिक, सो हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दीघाट वाज फॉट बिटवीन, किन दो पार्टी के बीच हल्दीघाट की युद्ध हुआ था, जो फाइट हुआ था। सो इन ऑप्शंस का ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, देख सकते हो आप सब लोग, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी, दैट इज राजपूत एंड मुगल्स, राजपूत और मुगल्स के बीच वो वॉर हुआ था, फाइट हुआ था। तो राजपूत की तरफ से था महाराणा प्रताप, मेवर की महाराणा प्रताप, एंड मुगल फोर्स को लीड करता था उस टाइम कसम मानसिंह वन के द्वारा लीड किया गया था। तो हल्दीघाटी का युद्ध बेसिकली जो 1576 में हुआ था, 1576 में, कहाँ में, हल्दीघाट जो राजस्थान की एक जगह था, एक प्लेस था, वहाँ पे वो वार हुआ था, ठीक है। हल्दीघाट बेसिकली राजपूत वो हिस्टोरिक, बहुत हिस्टोरिक फाइट था, बिकॉज तो राजपूत बेसिकली स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था उनका इंडिपेंडेंस के लिए मुगल से, ठीक है, मुगल से इंडिपेंडेंस लेने के लिए, पाने के लिए फाइट कर रहा था राजपूत एंड मुगल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध कवि कबीर निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से जुड़े थे। कबीर तो आप सब लोग सुनाए होगा उनका नाम कबीर, तो उन्होंने निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, अर्थात भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन एंड सूफी आंदोलन, दोनों आंदोलन से जुड़ा हुआ था कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, अखिल भारत की स्थापना बेसिकली ढाका वर्तमान बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है, वर्तमान बांग्लादेश जो प्रेजेंटली बांग्लादेश में हुई थी, ढाका में, जो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में भेजा गया था, यस, क्रिप्स मिशन किस वर्ष और कौन से वर्ष भारत में भेजा गया था, यस। तो पहले जान लो क्रिप्स मिशन भारत में भेजने की क्या कारण था, क्या रीजन था जिस वजह से क्रिप्स मिशन को भारत में भेजना पड़ा, यस। अब सब लोग को पता ही होगा, भारत उपनिवेश थी ब्रिटिश की बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ठीक है, तो लगभग स्वाधीनता के आसपास जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था इंडिया के समर्थन, यस, कोऑपरेशन चाहिए था, बट इंडिया तो टोटली डिनाई किया था कोई भी कोऑपरेशन करने के लिए। तो ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया को समझाने के लिए, इंडियन पीपल को समझाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इस वजह से क्रिप्स मिशन भारत में भेजा, ठीक है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था, बट इंडिया ने टोटली डिनाई किया, जहाँ हम लोग और सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नेता इनकलाब जिंदाबाद के नारों के लिए जाना जाता है, यस, इनकलाब जिंदाबाद वो जो नारा नारे था वो कौन से नेता ने यूज किया है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, कौन से नेता ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा व नारे जो था वो बेसिकली उसके लिए जाना जाता है। तीन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा भगत सिंह, यस, भगत सिंह, उन्होंने उसको उन बेसिकली
इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन के लिए भगत सिंह को जाना जाता है। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा आज के सेशंस। ठीक है, इस तरह का क्लास हम डेली बेसिस हमारे चैनल पर अवेलेबल करेंगे। जो कोई भी अपकमिंग आरआरबी और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो, अगर जनरल अवेयरनेस से कोई भी टॉपिक आप लोगों की सिलेबस में है तो ऑब्वियसली हमारे इस क्लास को, इस तरह का क्लास को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी क्लास हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हमारा इस प्रयास अच्छा लगा होगा आप सब लोगों को, ऑब्वियसली लाइक शेयर करना। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।